और इंडिया ने ऐलान किया है कि हमने मिसाइल टेस्ट करना है 15 16 को ठीक उन्होंने नोटिस टू एयरमैन जिसको नोटम कहते हैं वो उन्होंने इशू किया है इसी में एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है जिसके मुताबिक अगर हम मेडिसिन इंडस्ट्रीज की बात करें एपीआई की बात करें जिसमें दुनिया में सबसे ज्यादा होल्ड सबसे बड़ा हाथ चाइना का था 40% का हाथ इसमें चाइना का था वो इंडस्ट्री 250 बिलियन डॉलर्स की चाइना से शिफ्ट हो रही है टुवर्ड्स इंडिया वो जो वोंग यांग इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एक रिपोर्ट शाया हुई है जिसके मुताबिक इंडिया जो है सेफ्टी के मामले में एविएशन सेफ्टी के मामले में 48 रैंक पर आया है जबकि चाइना जो है फोर्टी रैंक पे आया है एक डायरेक्शन लेस कॉम है यानी लीडरशिप डायरेक्शन मालूम ही नहीं क्या करना है इस बार इंडिया ने चाइना जैसी कंट्री को भी बीट कर दिया है एविएशन सेफ्टी कोई तजवीज़ कोई आइडिया कोई माहरीन मीशत को बिठाएं, कुछ करें अल्लाह के बंदो ये कशीदगी कम अज कम खत्म करो हमारा जो टेररिस्ट इमेज है ना हमेशा से तो ये जितने मुल्क हैं मिडिल ईस्ट पे मिडिल ईस्ट के ममालिक हैं जहाँ पर पाकिस्तान ने डिप्लोमेटिकली अपना फुटप्रिंट कम किया है जिसके तो नतीजे में इंडिया का बढ़ा है की और उनके डिफेंस की उनके सिक्योरिटी की तो यार इंडिया से हर बंदा जो है पूरी दुनिया में फैला हुआ है हर बंदा हर घर में से एक आधा बंदा तो है आप उनका रेमिटेंस ही देख लो इस दफा हंड्रेड बिलियन डॉलर देस हंड्रेड बिलियन डॉलर यार बंदा सर पकड़ गया तो वो उनको ये है कि अच्छा यहाँ पर उनकी बहुत बड़ी तादाद में उनकी फौज यहाँ पे नहीं चालीस फीसद तो यहाँ पर है तो वो अच्छा साथ ही फिर ये है कि वो जो वॉन्ग यंग जहाज फिर दाखिल हो गया है इंडियन ओशन में आज दोबारा और वो आगे बढ़ रहा है और इंडिया ने ऐलान किया है कि हमने मिसाइल टेस्ट करना है पंद्रह सोलह को उन्होंने नोटिस टू एयरमैन जिसको नोटम कहते हैं वो उन्होंने इशू किया है लेकिन उसके बावजूद वो सोच रहे हैं कि इसको पोस्टपोन करें क्या करेंगे वो चाइना का शिप है बहुत चार सौ कामला है उसके ऊपर सेंसर से वो कह रहे हैं रिसर्च है ये कहते हैं इंस्पाइंग करता है चाइना तो इशू सारा ये है मैं जो बात कह रहा हूँ वो ये कह रहा हूँ कि ये देखे ना मतलब अब ये कितने फ्रंट्स पे वॉर होगी तो बात देखे ना सऊदी अरेबिया है तो सऊदी अरेबिया के आप कहेंगे सिर्फ उनका इशू ऑयल है इस वक्त उनका इशू यमन है उनका पड़ोस है आगे भी इजिप्ट का इशू जो है तो इशू बात ही होती है कि आपकी मतलब बहुत सारे इशूज होते हैं जो जिनकी वजह से आपकी इकॉनॉमी आगे बढ़ती है और जियो इकॉनॉमी और जियो स्ट्रेटी आपको साथ रख के चलानी होती हैं चीज़ें एक ये मिडिल तो अपना फुटप्रिंट कम किया है जिसके नतीजे में इंडिया का बड़ा है भाई आप इतने दबाव में हैं वैसे तो पीटीआई भी आ गई तो आसानी से चीजें ठीक नहीं होगी इसलिए एक दिन की खराबी नहीं है क्यामतें जो गुजर गई थी अमानते कई साल की और एक अंजम रमानी ने कहा था खाब है अदाम अभी हाँ। नींद से गो नमाज बेहतर है असर ख्वाब है अदाम अभी एक डायरेक्शन लेस कॉम है यानी लीडरशिप डायरेक्शन लेस मालूम ही नहीं क्या करना है सात आठ महीने के बाद एक दिन पता चलता है रूस से तेल खरीदने वाले आइडिया अच्छा था वहां से जाते हैं वापस आ जाते हैं अरे भाई कुछ अगर तुम्हें दस पंद्रह परसेंट कंसेशन भी देते कुछ दो तीन महीने का उधार ही कर लेते हैं तो आपको आपके पास चीनी पड़ी हुई है ठीक है एक बिलियन टन की चीनी है और इंटरनेशनल मार्केट में कीमत बनती है एक सौ पचास रुपए के करीब हमारी मार्केट में नब्बे रुपए इसके एक अलग क्राइसिस पैदा होने वाला है कि गन्ने की कीमत वो कहते हैं ज़्यादा कर तो बेचो चीनी ठीक है एक दिन शहबाज शरीफ साहब ने मुझसे पूछा क्या करें? बॉर्डर एक्सचेंज का मतलब मैंने ये यहाँ पे ये शरकपुर की तरफ पड़ी हुई जमीन फार्म हाउसेज बना दें उसमें पाबंदी लगा दें तो जरूर जानवर पाले जाएंगे ठीक है और जरूर अपना जो है वो या याद की जाएगी रिपोर्ट के हवाले से यूनाइटेड नेशन ने ए, उनकी एक रिपोर्ट शाया हुई है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एक रिपोर्ट शाया हुई है जिसके मुताबिक इंडिया जो है सेफ्टी के मामले में एविएशन सेफ्टी के मामले में फोर्टी एट रैंक पर आया है जबकि चाइना जो है फोर्टी नाइन्थ रैंक पे आया है पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान को हंड्रेड हंड्रेड रैंक मिली है जबकि नेपाल को एक रैंक मिली है बांग्लादेश की बात करते हैं तो उनको 94 रैंक पर मिली है अब बात आ जाती है कि इस बार इंडिया ने चाइना जैसे कंट्री को भी बीट कर दिया है एविएशन सेफ्टी के मामले में जबकि पाकिस्तान को तो बीट किया ही किया है इवन टर्की को भी बीट कर दिया है एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है इंडिया इंडिया के के लिए कि इंडिया ने जो है सेव्टी, सेव्टी के मामले में जो है है सेफ्टी सेफ्टी एविएशन मामले में बहुत ज्यादा सक्सेसफुली मतलब ये अचीवमेंट हासिल की है हमारा जो टेररिस्ट इमेज है ना हमेशा से टेररिज्म कंसीडर पाकिस्तान बहुत ज्यादा समझा जाता है टेररिस्ट कंसीडर होते हैं पाकिस्तानी वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है उस पॉइंट ऑफ व्यू से डिफेंस को हमारे से रिलेट करना वैसे ही दुनिया ऐसे समझती है जैसे इनकी झूठी तारीफ करना तो अगर इस वक्त रैंकिंग आई नो पहले तो किस बेस पे की सेकंड ऑफ ऑल ये कि हमारे यहाँ अगर हम देखें कि पाकिस्तान में हमारी बेसिस में क्या अपॉर्चुनिटीज होंगी आपको बताऊँ कुछ टाइम पहले 22 बाईस हजार बिलियन डॉलर या पता नहीं बाईस का कुछ का रेशो था जो गुजरात के अंदर उन्होंने एयरबेस के लिए पैसा वो किया है यार पैसा पैसा इन्वेस्ट इन्वेस्ट किया किया है है, है पीएम मोदी ने और अगर बात करूं उनकी एयरलाइंस की तो आपको पता है टाटा ग्रुप्स के साथ मिलके वो उसके प्रोजेक्ट्स शुरू हुए टाटा ग्रुप्स ने उसका होल्ड ले लिया मतलब वहां उस चीज पे कहीं ना कहीं काम चलता रहता है कहीं ना कहीं उस चीज को ना स्ट्रोंग करने में और ज्यादा स्ट्रेंथ देने पे फोकस होता रहता है क्योंकि थोड़ा सा भी फायदा देती है ना वो हमारी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग कर सकती है और मफाद के, के लिए अगर बनी है तो वो ऑटोमेटिकली हमारा फायदा है अब अगर बात करूं आ, सेफ्टी की जैसे आपने कहा तो देखो इंडिया में पिछले चार सालों में एक भी दफा प्लेन क्रैश नहीं हुआ अदर देन एक जो ट्वेंटी में हुआ तो वो भी एक अलग सैनारियो था किस वजह से हुआ कुछ अट्ठारह लोग उसमें भी सिर्फ अट्ठारह लोग मारे गए उसके अलावा पिछले चार सालों में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ लेकिन अगर पाकिस्तान की बात करें या बाहर इधर उधर हमारे आस पड़ोस की और फॉरेन कंट्रीज की बात करें तो ऐसे सिनेरियोस बहुत ज्यादा